टॉप 7 घोस्ट वीडियोस कॉट ऑन कैमरा। नंबर 1, द लॉस्ट क्रिएचर। आज की पहली वीडियो फ्रैंको टीवी ने रिकॉर्ड करी थी, जो एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एंड पॉपुलर अमेरिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। एंड रिसेंटली वो किसी कैंप साइट के पास गए होते हैं एक हॉन्टेड डॉक्यूमेंट्री शूट करने। एंड शूट के बीच में उनके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। एंड जैसे जैसे फ्रैंको अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं, तब चीज़ें सिर्फ बद से बदतर ही होती हुई दिखाई देती हैं। सबसे पहले फ्रैंको को कुछ क्रीपी साउंड्स आने लगती हैं। एंड उसी मूवमेंट के बाद वो अपनी फ्लैशलाइट को तुरंत ऑन करते हैं। एंड फ्लैशलाइट ऑन करते ही वहाँ पर एक फिगर कैप्चर हो जाती है, जो क्या थी आज तक ना ही फ्रैंको एक्सप्लेन कर पाए हैं, ना ही कोई भी वीडियो वॉचर, क्योंकि वो फिगर ना ही किसी ह्यूमन जैसी दिखाई दे रही थी एंड ना ही किसी नॉन एनिमल की वो लग रही थी। सो वॉट आर योर अजम्पशंस ऑन दिस वन? नंबर 2, हॉन्टिंग ऑफ जिन। आज की दूसरी वीडियो इहाब कोस्म्या नामक एक काफ़ी जाने माने अरेबिक होस्टेंटर ने एक ऐसे हॉन्टेड एंड अबेंडेड बिल्डिंग की एक्सप्लोरेशन करते वक्त रिकॉर्ड करी थी, जिसके अंदर माना जाता है कि एक रियल लाइफ जिन रहता है। एंड जो भी उस बिल्डिंग में आता है उसका वो इतना ज़्यादा हॉन्ट कर देता है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर भी पूरी ज़िंदगी के लिए कर्स रह जाता है, नाइटमेयर्स का। लेकिन ये बात कितनी ज़्यादा सच आई है एक्सप्लोर करने जब इहाब गए, तो कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड कर लाए जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं करी थी। بسم الله الرحمن الرحيم مين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 أعوذ بكلمات الله التامات
अननोन फुटस्टेप्स, डोर स्लैमिंग्स, क्रीपी बेबी क्राइज, फेंट स्क्रीम्स एंड स्केरी लाफिंग साउंड्स ऑफ समवन से लेकर एक अननोन ग्रेइश फेस का स्टेयर्स की तरफ नजर आना उस बिल्डिंग में बहुत कॉन्टीन्यूसली उन्हें महसूस करने और देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी सिलसिला खत्म कहाँ हुआ था? अपनी एक्सप्लोरेशन के कुछ आखिरी पलों में उनसे मिलने वहां पर कोई ऑलरेडी मौजूद था, जिसको नोटिस करने के बाद एहाब खुद भी काफी घबराने लगते हैं। डेफिनेटली किसी अकेले पर्सन के लिए इतना सब कुछ एक ही रात में एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़्यादा क्रीपी रहा होगा, एंड मैं खुद को तो ऐसी किसी जगह पर इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को अगर ऐसा मौका मिलेगा तो क्या आप जाना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइज, आप लोगों ने पिछली वीडियो पर अभी तक लाइक एम पूरा नहीं किया है तो इस वीडियो पर हम थोड़ा कम लाइक एम रखते हैं और 14,000 लाइक्स। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो डेफिनेटली उस लाइक बटन को दबाए बिना बिल्कुल मत जाना, एंड देखते हैं कि आप 14,000 लाइक्स कितनी जल्दी पूरा कर पाते हो इस वीडियो के ऊपर। नंबर 3, लेट्स मीट अगेन। आज की तीसरी वीडियो डैनी डोनाहू ने शूट करी थी, एंड अगर आप मेरी वीडियोस को थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि डैनी डोनाहू कौन है एंड क्या क्या चीज़ें अपने घर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट टू ऑल द न्यू व्यूअर्स, आपको मैं एक बार के लिए बस इतना बता देता हूँ कि डैनी के घर में कोई पैरानॉर्मल क्रिएचर या फिर इन सिंपल टर्म्स कभी कभार उनको कोई अनआइडेंटिफाइएबल क्रिएचर नज़र आता है अपने घर में, जो अपेरेंटली खुद ही कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। लेकिन जब जब वो क्रिएचर उनके घर में दिखाई देने लगता है तब तक उनके लिए नाइटमेयर से कम नहीं होता वो नज़ारा। हैव अ लुक। अननोन डोर रेटल्स के बाद उन्हें अपने बेड के नीचे वही क्रिएचर देखने को मिलता है, जिसके बाद डेफिनेटली डैनी अपने रूम के आसपास भी नहीं भटकते। बट वीडियो स्लो करके आप वापस देख सकते हो एंड अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हो रिगार्डिंग द क्रिएचर एंड द इंसिडेंट। नंबर 4, लाइव फ्रॉम नाइटमेयर। आज की चौथी वीडियो ड्यूएटो पैरानॉर्मल नामक एक व्यक्ति ने लाइव शेयर करी थी अपनी ऑडियंस के साथ, जब वो एक हॉन्टेड एंड कर्स्ड सेमेट्री की एक्सप्लोरेशन करने रात के समय में अकेले चले जाते हैं। इनको पता चलता है कि इस सेमेट्री में एक स्केरी फिगर की साइटिंग्स लोग रिपोर्ट करने लगे हैं, एंड एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो इस अपॉर्चुनिटी को एज अ ग्रांटेड लेते हैं एंड उस सेमेट्री की एक्सप्लोरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड उसके बाद अपनी लाइव स्ट्रीम में क्या कैप्चर कर लेते हैं इज रियली टेरिफाइंग। En dado caso de que topemos algo más, la verdad no creo que la lámpara aguante para mucho más, pero igual le damos otro recorrido aquí. ¿Hola? Ay, güey, se acabó de escuchar un aleteo aquí en el árbol. Ay, güero. Ay, no te pases, sentí que alguien pasó atrás de mí, se los juro. ¿Qué es lo que quieres? Sal de frente, no seas cobarde. No los iba a asustar, ¿cómo creen? ¿Se ve algo parado? ¿Dónde? ¿Dijo mamá?
¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, hijo de su puta madre! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Ey! Les dije que había escuchado algo aquí al fondo. ¡Iba flotando! सबसे पहले उन्हें कुछ स्केरी साउंड्स आने लगती हैं अपनी सराउंडिंग से, लेकिन उसे इग्नोर करके ही कॉन्टिन्यूज हिज इन्वेस्टिगेशन। एंड उसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन्होंने कैप्चर ऐसा जरूर किया जिसकी सिर्फ अपीयरेंस देखकर नहीं पता चल रहा था कि वो क्या चीज़ थी, लेकिन डेफिनेटली वहाँ कोई तो था जो कुछ ही सेकेंड्स में कम्प्लीटली गायब भी हो जाता है। सो आप लोगों को क्या लगता है, वॉज इट रियली अबैंडन्ड स्पिरिट ऑफ समवन या फिर समथिंग एक्सप्लेनेबल? नंबर 5, रियली स्ट्रेंजर थिंग्स। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड, क्रीपी एंड अनबिलीवेबल सी लगती है। कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्लिप को डेफिनेटली किसी बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड किया गया है एंड पूरी वीडियो में यही बात अंडरस्टैंडेबल लगती है, क्योंकि इस कैमरा में क्या रिकॉर्ड हुआ उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो किसी के पास डेफिनेटली नहीं होगी, बट देखने से इतना जरूर पता चलता है कि दो मेल्स एक ही जगह खड़े नजर आते हैं, बट वो ब्लैक सूटेड आदमी अपनी जगह पर एकदम किसी स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था, बट फिर अचानक से दूसरा आदमी अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है एंड किसी कारण से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना भी शुरू कर देता है। एंड जैसे ही वो ब्लैक मैन वीडियो के फ्रेम से बाहर जाता है, देन सडनली द मैन लाइंग ऑन द फ्लोर पूरी तरह बर्स्ट हो जाता है सैंड में। आई नो काफी क्रेजी साउंड कर रहे हैं इस वीडियो के सारे एलिमेंट्स, एंड ऐसा कुछ शायद ही आपने कभी विटनेस किया होगा। मैनी पीपल बिलीव कि ये एक रियल लाइफ मैन इन ब्लैक का प्रूफ हो सकता है। सम सजेस्ट कि ये डार्क वेब की कोई लीक्ड फुटेज भी हो सकती है, बट आफ्टर ऑल इन द एंड आप लोग ही असली जज हो, सो व्हाई नॉट कम अप विद अ थ्योरी योर सेल्फ। नंबर 6, द इम्परफेक्ट वेलकम। ये वीडियो किसी व्यक्ति ने अपने घर के पास मौजूद एक अबैंडन्ड टनल के अंदर शूट करी थी, जिसको शूट करने के बाद वो उसका प्रीव्यू अपने लैपटॉप में चेक कर रहे थे। खैर, वीडियो रिव्यू करते वक्त उन्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ जाता है जो श्योरली एक कंसर्न बन जाता है उनके लिए। लेट्स हैव अ लुक। Been played about half speed. Now watch. Now. You see it? अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वीडियो के एंड होते होते एक शैडो सिलुएट वहाँ से गुजरती हुई नज़र आती है, एंड ये डेफिनेटली उस रिकॉर्डर की तो बिल्कुल भी नहीं थी जिन्होंने वीडियो शूट करा था। खैर, अभी के लिए दिस वीडियो इज़ अ कम्प्लीट मिस्ट्री, बट आप क्या सोचते हो रिगार्डिंग द सेम जरूर बताना मुझे इन द कॉमेंट सेक्शन। नंबर 7, अबडक्शन फॉर डार्कनेस। आर लास्ट वीडियो इज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल कासा डोरेस द सोम्ब्रेस, जो इस बार एक अबैंडन्ड चर्च के अंदर एक्सप्लोर करने जाते हैं, एंड वहाँ पर उनके साथ पैरानॉर्मल की जगह कुछ ऐसा हो गया जो सपने में भी अगर किसी के साथ हो जाए तो पूरी ज़िंदगी वो याद रखेगा। Solta, velho, não tem nada. Me ajude, Yuri. Nossa, o que eu devia fazer aqui, mano?
उस चर्च में एंटर होते ही कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म करने वाले लोगों ने उन्हें कैप्चर कर लिया एंड उनके एक दोस्त को तो काफी ज्यादा हार्म भी पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे वो भयानक लोग। खैर, अगर आप इस वीडियो की फुल स्टोरी एंड सीन्स जानना चाहते हो तो आई रिकमेंड कि आप कासा डोरेस की फुल वीडियो उन्हीं के चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर मैंने सारी सीन्स एंड एक्सप्लेनेशन को कवर करने की कोशिश करी तो वीडियो मेरी लाइकिंग से काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो अगर आप इनकी फुल इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को उनके चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। अपनी हॉरर डोज को अगर आप और भी ज्यादा ओवरलोड करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई एंड फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो उस लाल सब्सक्राइब बटन को जरूर याद से दबा कर ही जाइएगा एंड वीडियो पर भी एक लाइक जरूर छोड़ना। एंड इस वीडियो को हम लाइक एम रखते हैं 14,000 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप कितनी देर में पूरा कर देते हो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और क्रीपी हॉन्टेड सफर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।